बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशामदीद। अभी टाइम जो है तकरीबन दोपहर 1:30 या 2 बजे का टाइम है। मैं गया हुआ था कोर्ट में, कचहरियों में, आज मेरी एक पेशी थी। ये आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं मेरे हाथ में है, ये मैंने अभी एक जगह पर पहुँचाने हैं। सुबह का घर से निकला हुआ था, अभी जो है ना उधर से कोर्ट से वापस आया हूँ। तो ये मस्जिद का जो काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने एक भाई के तावन से शुरू करवाया हुआ था, काफ़ी दिनों से ना इधर मुझे चक्कर नहीं मेरा लग सका, क्योंकि जो मसले मसाइल बने हुए थे उनकी वजह से ना उलझने वगैरह थी। तो काफ़ी दिनों से ना ये इधर चक्कर नहीं लगाया था। इनका पेंट का काम जो दिया हुआ था, तो भाई ने मुझे सुबह कॉल की थी कि भाई मुकम्मल, वो मैंने पेंट का काम तकरीबन अपना मुकम्मल कर दिया, तो एक कोर्ट मेरा रह गया, तो सामान मेरे पास ख़त्म हो गया, जो नेक्स्ट पेंट लेकर आना है। तो आप इस तरह करें, कुछ पैसे मुझे दे जाएं ताकि मैं वो पेंट लेकर ना दोबारा इसको जो है ना वो कर दूं। तो अभी दोपहर को इधर आया हूं, वो भाई तो नहीं है इधर, शायद खाना वगैरह खाने के लिए गए होंगे। तो मैंने सोचा चले इधर ना जाते जाते एक दफ़ा इधर चक्कर लगा जाऊँ और भाई को कुछ पैसे दूँ ताकि वो अपना जो पेंट का सामान है वो अपना ले आएँ। अभी इधर नहीं है तो अभी थोड़ी देर तक उनको कॉल करता हूँ, जिधर भी हैं पैसे उनको देता हूँ, फिर मैंने कहीं जाना है काम ये डॉक्यूमेंट देने के लिए, उसके बाद फिर जाऊंगा घर और अपने घर के जो काम काज हैं वो देखूंगा। क्योंकि सुबह का मैं निकला हुआ था, अब्बू भी शायद परेशान हूँ, घर वाले भी परेशान हूँ कि अभी तक आया नहीं मुकम्मल, कि जो काम हुआ है वो अपने बहन भाइयों से मैं बहन भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखें ये चिराग भी हमने रखा हुआ है इधर प्याली के अंदर, रात को जो है ना वो जला लेते हैं जब कोई नमाज वगैरह ईशा के वक्त पढ़नी होती है। ये प्याली में जो सरसों का तेल है वो डालकर और ये जो रुई वगैरह है उसको तेल लगा कर इधर शाम को ना मगरब और ईशा की नमाज के लिए जला लेते हैं, फिर जब इधर नमाज पढ़नी होती है। तो क्योंकि बिजली जो है ना वो इधर नहीं लग सकती, खंबा वगैरह कोई भी नज़दीक नहीं है, तो इस वजह से ना फिर इसी तरह ही काम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है 2-3 दिन से काफ़ी ठंडा ठंडा है, बारिशें हुई हैं 2 दफ़ा, लेकिन ज़मीन आप देख सकते हैं खुश्क हो गई, ठीक ठाक हालाँकि बारिशें हुई हैं, लेकिन जो है ना ज़मीन फिर भी खुश्क है। और इधर देखें ये बकरियों वाले घास वगैरह खिलाने के लिए, और भाई जो हैं वो छाँव के नीचे बैठे हुए हैं बकरियों वाले। तो ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बनवाई है, ये जो है ना ग्रिलें वगैरह ये हमने लगवा दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, दरवाज़ा भी इसका छोटा सा एक लगा दिया था, और इस साइड पर भी जो अंदर दूसरी ग्रिल है ये भी लगा दी, और नलके के आगे जो ये थड़ा था ये भी हमने बना दिया था। तो माशाल्लाह ये अभी भरा हुआ है पानी के साथ, शायद इन्होंने इधर से पानी वगैरह पिलाया क्योंकि ये पाँव लगे हुए हैं बकरियों के, तो माशाल्लाह बकरियां भी इधर से पानी पीते हैं, बंदे भी, यानी कि ये रास्ता भी है ना साथ ही, ये आप देखें ये आने जाने के लिए रास्ता भी है। और ये जो मेरा मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, अभी मैं आया हूँ इस मोटरसाइकिल पर। तो बाकी अल्लाह खैर करे, हवा काफ़ी तेज़ है, तो सफ़ें बिछाई हुई हैं वो भी हवा की वजह से ना, चले मैं देखता हूँ अंदर जाकर। लाया था शायद एक साफ इधर नहीं है, वो शायद बकरियों वाले के पास हो, उधर बाहर ना ले गए हों। तो बाकी अभी जो है ना सलफ़ अलमारी वो इधर लगने वाली है इस कोने में, अल्लाह खैर करे वो जो है ना सलफ़ हमने लगवाना है। और ये अब देखें बकरी पानी भी पी रही है, क्योंकि ये जो थड़ा है आगे बना हुआ हौज उसमें पानी है ना भरा हुआ, तो बकरी माशाल्लाह पानी पी रही है। चले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद का काम तकरीबन जो है ना वो फाइनल हो ही गया है, बस सेव अलमारी रहती है इसकी, वो सॉरी सलफ अलमारी वो लगाने वाली रह गई है। तो अल्लाह खैर करे वो भी जो है ना भाई को मैं आज पैसे, आज या कल तक पैसे दूंगा ताकि वो बना दें। बाकी पेंट जो है तकरीबन 1 कोट इसको या 2 वो कर गया, तो बाकी कुछ वो कह रहा था कि एक दफ़ा भी हमने और इसको करना है। डियर और गार्डरों को जो कलर सब्ज़ कलर का किया है, यह देखें ये जो ग्रिले हैं उसको भी, दरवाजे को भी, और इस साइड वाली जो ग्रिल है इसको भी सब्ज़ कलर में किया है, और बाकी ये जो है ये सारी सफ़ेद है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मीनारों का मैं उसको कहा था, पता नहीं वो किस तरह का कलर करके गया है, वो आप देख सकते हैं जी मीनार,
ये डिज़ाइन इसका कुछ बना गया है, ये जो पेंटर था ये कर रहा था ये काम। चलें, ये भी ठीक हो गया। और एक जो दूसरा मीनार है वो गिर गया, ये साइड पर ये भी बना हुआ है। चलें माशाल्लाह ठीक ज़बरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बकरी ने पानी पी लिया, अभी जा रही है जी वापस अपने रेवड़ में, जो बाकी बकरियां उधर खड़ी हुई हैं। इस साइड से भी जो है ना, ये बाहर वाली जो दीवार है इसको भी कलर कर दिया सफ़ेदी वगैरह। कुछ शीटें जो हैं ये बच गई हैं, ये इधर पड़ी हुई हैं। ये आगे जो है ना इंशाल्लाह हम इस जगह पर कोई थड़ा वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। इस साइड पर ये जो आगे जगह है, ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ना, इधर इंशाल्लाह जो है ना आगे सहन इसका मंदिर का। कुछ टाइल जो है वो बच गई थी, वो इधर पड़ी हुई हैं, ये टाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये भी इधर जो है ना कोशिश करके थड़े के साथ ही ये कर देंगे। ईंटें जो है ना वो इधर भी पड़ी हुई हैं इस साइड पर। ये जो सारी हैं ईंटें हैं ना, ये इसका जो सहन हमने मस्जिद का बनाना है इस जगह पर। महकमा मौसमियात वाले बारिश का बता रहे हैं, हो सकता है शायद आज बारिश आ जाए, अगर आ गई तो इंशाल्लाह वो भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं चलता हूँ जी घर, खाना वगैरह खाना है, क्योंकि दोपहर का जो खाना वो मैंने नहीं खाया, सुबह को नाश्ता ही किया हुआ है। अभी घर जाकर खाना खाता हूँ, और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, देख सकते हैं ये जिधर मैंने ले कराने उधर देता हूँ। फिर उसके बाद अपना जो जानवरों का चारे वगैरह का टाइम हो जाएगा, 4 बजे फिर मैंने जानवरों को खुलियों पर बांधना होता है, फिर दूध वगैरह निकालना होता है, फिर अपने जो काम काज यानी कि जो भी मेरी आज की जो शाम तक रूटीन होगी ना, इंशाल्लाह उसको भी अपने बहन भाई के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बादल देखें आसमान पर गहरे हो रहे हैं, तो हवा पहले से ना सुबह तो इतनी नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ हवा जो है ना, और इस साइड से काफ़ी गहरे बादल निकल कर आ रहे हैं मशरक और शुमार वाली साइड से।